आप देख सकते हैं जो पुलिस की टीमें जो हैं वो ज़रूर मौके पर पहुंच चुकी हैं। हालांकि मामला जो बताया जा रहा है कि त्रावड़ी एरिया पड़ता है, त्रावड़ी का एरिया पड़ता है, हालांकि सदर थाना SHO मौके पर ज़रूर पहुंच जाते हैं। लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से एक लड़की के जो शव है वो मिलता है, जिसके बाद लगातार पुलिस की टीमें मौके पर पहुँच जाती हैं। और बताया जा रहा है कि एक लड़की जो है वो शायद नाबालिग है और उसने हरे रंग का जो कपड़े जो है वो पहन रखे हैं, और फिलहाल ये जो पानी है वो पंजाब और कुरुक्षेत्रा की तरफ से आता है, जिसकी ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं सदर SHO जरूर मौके पर हैं। क्या कुछ जानकारी मिली थी जिसके बाद आप मौके पर पहुंचे और बॉडी को बाहर निकाला जाएगा? सूचना प्राप्त हुई थी एक महिला की डेड बॉडी पानी में तैर रही है, जो आप भी आपके सामने है, इसको एम्बुलेंस बुला लिए, बाहर निकाल कर शिनाख्त करा कर जैसी भी हालात होगी कार्रवाई की जाए। तो सर कुछ लगता है कि हादसा है, हत्या है, क्या कहा जा सकता है? इस बारे में मैं कोई क्लियर नहीं कर सकता, ये तो पोस्टमार्टम के बाद या डेड बॉडी बाहर निकालने के बाद इसका निरीक्षण के उपरांत ही पता। तो कुरुक्षेत्र पंजाब साइड से तैरता हुआ है? इधर से तैरता हुआ है और पिछले एरिए में जो संबंधित थाना है उसमें भी सूचना दी गई है। परिवारों से भी अपील करेंगे कोई हरे रंग के सूट डाले हुए उनकी लड़की लापता हो? हाँ, ये जो इसका उलिया है आपके माध्यम से भी और हम अपने माध्यम से भी इसको सर्कुलर करेंगे कि भाई कहाँ कहाँ से ऐसा हो सकता है, किसकी परिवार से गायब है या कोई ऐसा कोई हादसा हुआ है, जो इस एरिया में पीछे रहने वाले सभी थाने को भी हमने मैसेज कर दिया है। बाकी मौत का कारण पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा? हाँ, मौत का कारण तो पोस्टमार्टम के बाद या डेड बॉडी बाहर निकालने के निरीक्षण के बाद उपरांत ही मैं बता सकता हूँ। पंजाब से बताया जा रहा है कि एक लड़का लड़की कूदे थे नहर में, इस बारे में मेरे को कोई सूचना नहीं है, मैं आपको वैसे बोल दूँ। तो बिल्कुल SP नायब सिंह आप देख सकते हैं मौके पर पहुंच जाते हैं, जैसे ही यहां पर लड़की के जो बॉडी मिलने की खबर आती है उसके बाद देख सकते हैं जो नायब सिंह DSP हैं वो भी खुद मौके पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही जानकारी मिलती है सीनियर अधिकारी जो हैं वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं SHO के पहुंचने के बाद कुछ ही समय बाद जो सीनियर अफसर DSP नायब सिंह हैं वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं, जिसकी लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। करनाल जो जटपुरिया पुलिया के पास का ये मामला बताया जा रहा है, हालांकि लड़की नाबालिग है इस तरह से जो जानकारी अभी तक सामने आई, अभी निकालने के बाद जो है वो पता लग पाएगा। अगर कोई निशानी मिलती है तो सिर्फ अभी डार्क हरे रंग का सूट जो है वो डाल रखा है, गूढ़े हरे रंग का सूट जो है इस लड़की ने पहन रखा है। फिलहाल यहाँ पर एम्बुलेंस का इंतज़ार जो है वो करती हुई टीमें नज़र आ रही हैं, जिसकी लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं DSP साहब जो मौके का मुआयना करते हुए नज़र आ रहे हैं, हालांकि जो लड़की को बाहर निकाल कर जो देखा जाएगा, हालांकि उसका जो हुलिया क्या कुछ है, फिलहाल गहरे हरे रंग के सलवार सूट इसने पहन रखा है और उम्र लगभग 16 से 17 साल बताई जा रही है। अब क्या कुछ इसका आगे हाथ पर लिखा हुआ है, कुछ निशानी या नहीं, वो देखने वाली बात है। फिलहाल लड़की की बॉडी है। फिलहाल आप सभी से अपील करूंगा, निवेदन करूंगा, इनके घर तक जल्द से जल्द जानकारी पहुंचे, इस खबर को आप शेयर जरूर कर देना। सूचना पाके पहुँचे मौके पर, FSL टीम को बुलाएंगे अभी और तफ्तीश जारी। तो कुछ पता चला कि हत्या हुआ है, हादसा हो सकता है, कुछ ऐसे आसपास के जिले से कोई रिपोर्ट आई हो? नहीं, अभी तो ऐसी कोई सूचना नहीं हमारे पास, पर अभी तो जस्ट हम पहुंचे हैं, काफी अभी अनुसंधान करना बाकी है इसमें, जैसे अनुसंधान करेंगे तो नए नए तथ्य आते हैं। तो बिल्कुल पोस्टमार्टम के लिए कराएगा, पहचान के लिए रखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं लगातार पुलिस की टीमें पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। देख सकते हैं पुलिस की गाड़ियां ही यहां पर इकट्ठा हो जाती हैं, जैसे ही लगातार यहां पर जानकारी मिल रही है आला अफसरों को, और मौके पर आला अफसर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं जो एम्बुलेंस है वो भी मौके पर पहुंच चुकी है, एम्बुलेंस जो है वो भी मौके पर जो है वो पहुंच चुकी है। फिलहाल आप तस्वीरों में ये लाइव देख सकते हैं, जो एम्बुलेंस है वो भी मौके पर जरूर पहुंच चुकी है। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हालांकि बताया ही जा रहा था प्राथमिक तौर पर कि लड़की हो सकती है, पर अब जो है उसे निकाल कर देखा गया तो उम्र लगभग 30 से 35 साल महिला बताई जा रही है और फिलहाल हरे रंग का सूट जो है वो डाल रखा है, और पहचान होगी या नहीं वे देखने वाली बात है, महिला बताई जा रही है। आप सभी से मेरा निवेदन, इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। फिलहाल आप देख सकते हैं बॉडी को जो है वो बाहर जरूर निकाल लिया गया है, हालांकि उम्र लगभग 40 से 45 इसकी वर्ष हो सकती है, महिला दिखने में लग रही है, हरे रंग का सूट जो है वो डाल रखा है। फिलहाल आप देख सकते हैं DSP साहब मौके पर पहुंचे थे। फिलहाल अब शव को यहाँ से निकाल कर करनाल के शव गृह में 72 घंटे तक रखा जाएगा, ताकि इसकी शनाख्त जो है वो की जा सके, और ज्यादा पुरानी डेड बॉडी नहीं है। आपको मैं बता दूँ 1 या 2 दिन पुराना ये मामला हो सकता है। फिलहाल आप देख सकते हैं डीएस
डीएसपी साहब मौके पर पहुंचे थे। डीएसपी साहब अपनी पुलिस टीमों के साथ मौके पर जरूर पहुंच जाते हैं। पुलिस आपको नजर जरूर आ रही होगी। मेरी आप सभी से अपील है, इस वीडियो को आपने शेयर करना ताकि इसके परिवार तक ये खबर जल्द से जल्द पहुंच पाए और इसकी पहचान जो है हो सके, शनाख्त नहीं हो पाई। हालांकि एक हाथ में जो इसका दाहिना हाथ है उसमें एक तांबे का छल्ला और एक चांदी का छल्ला जरूर डाल रखा है और नाक में भी जो एक सोने का कोका जो है वो जरूर डला हुआ है और कानों में भी छोटे छोटे दो सोने के कोके जो हैं वो डले हुए हैं और एक हाथ में एक तांबे का छल्ला और एक चांदी का छल्ला और बिल्कुल पतली सी महिला है और उम्र लगभग 30 से 35 साल। सर यही छल्ला वगैरह यही डाला हुआ है जो मैंने हुलिया बताया, यही है जी सारा, यही हुलिया है जी जो मैंने बताया है, हरे रंग का गहरा हरा सूट है सर, बिंदी वाला गहरा हरा सूट है बिंदीधार और फिलहाल उसके दाहिने हाथ में एक छल्ला जो तांबे का है और एक सिल्वर का है और फिलहाल अब यहां से करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के शव गृह में जरूर लेकर जाया जाएगा। फिलहाल ऐसा कुछ भी हाथ पर लिखा नहीं मिला ताकि इसकी शनाख्त जो है वो जल्द से जल्द हो पाए, पर शनाख्त नहीं हो पाई। आप सभी से मेरा निवेदन है इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें ताकि जिस भी घर का सदस्य है उस तक जानकारी जरूर पहुंच पाए।